हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए हुए थे, बाइनरी ऑपरेशन का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है और क्या जी, किसमें? जेड में। और डिफाइंड किया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस फोर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कहाँ जी, जेड। तो पहला में इसमें बोलता है प्रूव दैट कि स्टार इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। दूसरा में बोला है फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट इन जेड। तीसरा बोला है कि फाइंड इन्वर्टिबल एलिमेंट इन जेड। ये तीन चीज़ हम लोग को यहाँ से निकालना है, पता करना है। पहला क्या बोल दिया है जी, कि वह एसोसिएटिव होगा। पहला उसमें चेक करना है कि वह दोनों कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गिवेन दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस फोर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू कहाँ जी, जेड। यदि हम लोग पहला देखें, पहला का यदि हम लोग प्रूफ करें और उसमें लेते हैं फोर पहले कम्यूटेटिव, फोर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव में क्या था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए। तो यहाँ से होना चाहिए कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। नाउ यदि हम लोग ए स्टार बी लिखें तो वो डिफाइंड किया गया है ए प्लस बी माइनस फोर। एंड यदि बी स्टार ए लिखें तो जाएगा बी प्लस ए माइनस फोर। ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस फोर, और ए किसके बराबर है जी, ए स्टार बी के बराबर। तो देयर फोर बोल सकते हैं कि स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहाँ जी, जेड। यदि हम लोग दूसरा ले लें फोर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए एसोसिएटिव का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी। नाउ यदि हम लोग ले लें ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का डेफिनेशन में क्या है जी, जो दोनों होगा दोनों का जोड़, और क्या दोनों को ऐड कर देंगे और फोर माइनस कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस फोर स्टार कितना सी। तो डेफिनेशन क्या था, ए स्टार बी में दोनों को सम, दोनों का सम निकाल करके फोर माइनस कर देना। तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, दोनों का सम मतलब ए प्लस बी माइनस फोर प्लस सी और इसमें फोर माइनस कर देना, तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एट। एंड यदि निकाल लें हम लोग ए स्टार बी स्टार सी, तो जाएगा ए स्टार, तो बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का सम माइनस फोर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का सम निकाल दें मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस फोर और माइनस फोर, तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस एट। देखिए दोनों बराबर हैं, तो देयर फोर बोल सकते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहाँ जी, जेड। यही हम लोग को प्रूव करना था कि ए स्टार जो है वह कम्यूटेटिव भी है और क्या है जी, एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों है, जो हम लोगों ने क्या किया, डिफाइंड कर लिया। अब दूसरा में हम लोग को क्या बोला है, निकालने बोल दिया है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या चीज़ है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये दूसरा हम लोग सोल्यूशन करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था, यदि कोई नंबर टू है, यदि एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, यहाँ पे हम कितना नंबर क्या जोड़ेंगे कि रिजल्ट टू ही रहे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मतलब टू है उसको हम कितना से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट टू ही रहे तो वन होगा, तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी और ये क्या होगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब इन जनरल हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो कोई भी एलिमेंट लीजिएगा, यदि उसके साथ जो ऑपरेशन लगाएंगे तो उसको ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट में कोई परिवर्तन ना हो, तो इसमें जो है जीरो ऐड करने पर रिजल्ट में परिवर्तन नहीं हुआ, जीरो हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। वन मल्टीप्लाई करने पर उसमें चेंजिंग नहीं हुआ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। उसी प्रकार कोई भी नंबर है यदि उसमें हम लोग कोई ऐसा एलिमेंट लें ऐसा नंबर लें ताकि उस स्टार के साथ ऑपरेट करें तो उसमें कोई चेंजिंग ना हो तब वो क्या कहलाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लेट कर लेते हैं, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन कहाँ जी जेड। मान लीजिए क्या है ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसमें जेड में, तो डेफिनेशन क्या था ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी ए, क्योंकि 2 + 0 हो जाएगा 2, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। तो उस प्रकार यदि आइडेंटिटी कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से यदि ऑपरेट करें स्टार के साथ तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए स्टार ई अभी हम लोग देखे थे ए स्टार बी, ए स्टार बी का डेफिनेशन क्या है जी दोनों का सम -4, तो इसके अनुसार से कितना हो जाएगा टेक ले लेते हैं टेक ए स्टार ई इज इक्वल टू कितना ए, तो इसके अनुसार से ए स्टार ई के यहाँ पर लिख सकते हैं a+e−4 इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसके डेफिनेशन के अनुसार ए स्टार बी क्या था दोनों का सम -4, तो ए स्टार ई को भी डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा दोनों का सम -4, यहाँ से a विल कैंसल तो हो जाएगा e−4 इज इक्वल टू 0, तो e का वैल्यू कितना निकल गया 4। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट इस डेफिनेशन के अनुसार कहाँ जी ऑन इंटीजर में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकल गया 4, तो हो जाएगा दूसरा का आंसर। तीसरा हम लोग को निकालना है क्या जी तो इन्वर्स, तीसरा हम लोग को क्या निकालना है इन्वर्स। तो यहाँ भी इन्वर्स का मतलब क्या हो गया कि यदि एक दो चीज़ केस में यदि मान के चलो यहाँ पे 2 है, 2 में हम एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे तो रिजल्ट होगा 0। यहाँ मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स का मतलब यहाँ 2 है यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट कितना होगा 1, तो यहाँ पे जो नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वह 2 का क्या कहलाएगा इस केस में एडिटिव इन्वर्स और इस केस में मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। तो इन्वर्स अलग अलग ऑपरेशंस के अनुसार से अलग अलग हो सकता है। चलिए यहाँ तक पहले नोट कर ले, तीसरा अब देखते हैं। थर्ड में हम लोग को क्या निकालना है इन्वर्स। तो मान लेते हैं कि ए क्या है जी कोई इन्वर्टिबल एलिमेंट है। तीसरा लेट ए बी एनी इन्वर्टिबल एलिमेंट इन जेड। इसका मतलब क्या हुआ कोई ए कोई एक एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल एलिमेंट है मतलब उसका इन्वर्स कहीं ना कहीं उस इंटीजर के स्टेट में बिलोंग करता हो, वही लिखें ए बी एनी इन्वर्टिबल एलिमेंट इन कहाँ जी जेड देन देयर एग्जिस्ट, लिख सकते हैं फिर कि देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जेड, तब ए यदि इन्वर्टिबल एलिमेंट है तो उसके अनुसार से बी एक को एलिमेंट होगा जो कहाँ बिलोंग करेगा जेड में, इस तरह से ताकि सच दैट कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाए जी आइडेंटिटी। अभी जो देखे थे कि 2 में हम कितना ऐड करेंगे कि रिजल्ट 2 होगा तो बोले थे 0, तो 0 मेरा क्या हुआ आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ किसका एडिटिव आइडेंटिटी। 2 है यहाँ इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा कितना जी 2, तो यहाँ पे 1 लिए थे तो 1 क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और इन्वर्स कहने का मतलब है यदि इन दोनों के साथ यदि कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए 2 में हम कितना मल्टी ऐड करें कि रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए मतलब 0, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी 0 है तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, 2 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें ये जो आइडेंटिटी आ जाए। तो उसी प्रकार मान लीजिए कोई एक ई कोई इन्वर्टिबल एलिमेंट है कहाँ पे जेड में,
यदि उसी प्रकार एक कोई नंबर मान लिए बी, जो कहाँ होगा, जड़ का एलिमेंट होगा, मतलब ए इन्वर्टिबल, मतलब उसका इन्वर्स कहीं ना कहीं सेट ऑफ इंटीजर में क्या बिलोंग कर रहा होगा। तो मान लिए बी जो उसका क्या इन्वर्टिबल है, इन्वर्स है, तो मान ली बी कहाँ है जी, जेड में। इस तरह से ताकि उसको ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी मिलेगा मतलब इसको ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिला, इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या था जी, ए प्लस बी माइनस फोर इज इक्वल टू ई, ए प्लस बी। अब यहाँ से बोल सकते हैं ई का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे थे इसके अनुसार से, सेकेंड जो दूसरा वाला क्वेश्चन में था, ई का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे थे कितना जी, फोर। यहाँ पे फोर आप पुट कर दो तो जाएगा ए प्लस बी माइनस फोर इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, एट। तो यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, ए इन्वर्टिबल एलिमेंट, तो बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना जी, एट माइनस बी, एट माइनस बी। मतलब ए का जो वैल्यू होगा पूर्ण कितना होगा, एट माइनस बी, मतलब एट में हम बी को सब्ट्रैक्ट कर दें किसके बराबर, ए के बराबर आ जाएगा। बी इज इक्वल टू कितना, एट माइनस ए। तो बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट इन जेड आर इन्वर्टिबल, बोल सकते हैं कि ऑल जितना भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट ऑफ जेड इज इन्वर्टिबल। जितना भी एलिमेंट जो है जेड का वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, लेकिन कौन से शर्त शर्त से जी, इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल दैट इज इन्वर्स ऑफ ए, दैट इज इन्वर्स ऑफ ए इज कितना, एट माइनस बी, एट माइनस बी। यदि एट माइनस बी, बी को एलिमेंट ने यदि एट में घटा दें तो क्या हो जाएगा जी, इन्वर्स। मतलब आप तो इसको बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू एट माइनस बी, मतलब इसको लिख सकते हैं एट में, यदि इसको लिखें एट में जो एलिमेंट घटा दें ए का इन्वर्स, मतलब क्या होगा, यदि आठ का इन्वर्स निकालना है, एट का क्या निकालना है, इन्वर्स। तो एट में हम एट को माइनस कर देंगे, एट में जो एलिमेंट जिसका इन्वर्स निकालना है उसमें क्या करेंगे, एट में माइनस कर देंगे, उसका क्या निकल जाएगा, इन्वर्स निकल जाएगा। मतलब बोल सकते हैं ए इज इन्वर्स है किसका जी, उसका एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एट माइनस ए। आ तो फिर यदि हम लोग लिखना चाहें तो बी का वैल्यू यहाँ पे बी होगा, तो यहाँ से हम लोग यदि हम लोग चाहें अभी निकालें किसका वैल्यू जी, ए का वैल्यू, यदि आप चाहो तो वहाँ से बी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए कितना जाएगा, एट माइनस ए। जैसा कि यदि आप फंक्शन पढ़े हुए हैं, फंक्शन में भी आप पढ़े होंगे इन्वर्स का, तो यदि आपको निकलता था कि एफ इनवर्स जेड और कुछ भी निकलता था, एफ इनवर्स एक्स जो निकलता था, तो जो वाई के टर्म में होता है तो वहाँ पे एक्स पुट कर देते थे, मतलब क्या था उसका इनवर्स। मतलब ए का इनवर्स निकालना है तो कितना हो जाएगा, एट माइनस ए। यदि हमको टू का इनवर्स निकालना है, टू का इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा जी, एट माइनस टू मतलब सिक्स। इस ऑपरेशन के अनुसार टू का इनवर्स कितना हो जाएगा, सिक्स। यदि हमको थ्री का इनवर्स निकालना है तो हो जाएगा एट माइनस थ्री मतलब फाइव, और थ्री का इन्वर्स कितना हो जाएगा, फाइव। तो हम लोग को हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा जी, इसका इन्वर्स निकल गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल दिया है स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। ये बोल दिया स्टार बी आ बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहाँ जी, नेचुरल नंबर, सच दैट, इस तरह से ताकि ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू फॉर ऑल ए एंड बी, कहाँ बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में। तो पहला क्या बोलता है, पहला में कि फाइंड टू स्टार फाइव, हम लोग को निकालना है टू स्टार फाइव का वैल्यू। तो सिंस यहाँ दिया गया है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, तो हो जाएगा टू स्टार फाइव इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर प्लस टू, तो जाएगा फाइव फोर प्लस 25 प्लस टू, ये हो जाएगा कितना जी, 31। यदि हम दूसरा बात करें
दूसरा क्या बोलता है इसमें निकालने कि शो करना है कि प्रूव दैट वन स्टार टू इज इक्वल टू टू स्टार वन। तो डेफिनेशन देखें तो सिंस ये दिया हुआ है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, यदि हम लोग निकालें वन स्टार टू तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू तो वन प्लस फोर प्लस टू हो जाएगा सेवन, और टू स्टार वन निकालें तो टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा फोर प्लस वन प्लस टू, तो ये कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा सेवन। देखिए दोनों बराबर है तो बोल सकते हैं कि वन स्टार टू इज इक्वल टू टू स्टार वन, हेंस ये क्या हो गया प्रूव। यदि हम लोग तीसरा बोलता है शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव, तीसरा हम लोग को शो करना है कि स्टार क्या है कम्यूटेटिव है, तो लिखते हैं फोर कम्यूटेटिव क्या होना चाहिए जी, ए स्टार बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए। नाउ ये हो जाएगा ए स्टार बी कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, और हम लोग यदि बी स्टार ए निकालें तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू, तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू। देखिए दोनों क्या है बराबर, तो क्या हो गया जी देयरफोर हो जाएगा ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो हेंस कि स्टार इज कम्यूटेटिव ऑन कहाँ जी नेचुरल नंबर, यही हम लोग को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग का एट हो गया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन, ये बोलता है कि इफ ए स्टार बी दिया गया फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स बी स्क्वायर, ए स्टार बी का वैल्यू दिया गया है कि फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स बी स्क्वायर, गिवेन दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स बी स्क्वायर, बोलता है बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, क्या है बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड नहीं क्या बोल दिया क्यू बोला है रेशनल नंबर में, तो देन वेरीफाई दैट अ स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, तो यह बताना है कि स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, प्रूव करना है कि स्टार कम्यूटेटिव नहीं है, तो प्रूव दैट कि स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हम लोग जानते हैं फोर कम्यूटेटिव क्या होता है जी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यदि हम लोग नाउ यदि हम लोग ए स्टार बी का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स बी स्क्वायर, यदि हम लोग बी स्टार ए निकालें तो कितना हो जाएगा जी शुरुआत वाला जो है फोर हो जाएगा फोर बी स्क्वायर प्लस सिक्स ए स्क्वायर, क्या है दोनों बराबर है नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो देयर फोर स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, स्टार जो है कम्यूटेटिव नहीं है। इसको हम लोग चाहें तो एक एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू टू और बी इज इक्वल टू थ्री, कोई भी नंबर ले सकते हैं और भी कोई रेशनल नंबर, तो यहाँ से हो जाएगा फोर स्टार क्या कितना हो जाएगा जी ए स्टार बी लेंगे तो हो जाएगा कितना फोर इंटू ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा टू डेफिनेशन है फोर ए स्क्वायर प्लस सिक्स बी स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से टू स्टार थ्री तो जाएगा फोर इंटू टू का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू थ्री का स्क्वायर, तो जाएगा फोर इंटू फोर प्लस सिक्स इंटू नाइन, ये हो जाएगा 16 प्लस 54 ये हो जाएगा 70। यदि हम लोग 3 स्टार 2 निकालें तो हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 4, तो हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा जी 4 सही लिखे ना 4 ए स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 6 इंटू बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 24 9 4 36 हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 4 और 2 6 60, देखिए 70 और 60 दोनों बराबर नहीं होते हैं, तो बोल सकते हैं
कि देयरफोर कि ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू कितना हो गया जी, बी स्टार ए, मतलब स्टार जो है वह कम्यूटेटिव नहीं है किसके लिए, ऑन बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए जी, तो ऑन जब क्यू के लिए मतलब रेशनल नंबर के लिए। चलिए इसको नोट कर लें, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या बोल दिया है, लेट ए इज इक्वल टू बोल दिया एन स्टार नहीं है, एन क्रॉस एन एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, और स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन किसमें जी, ए। तुम लोग को और डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड बाय क्या करता है, तो ए बी स्टार कितना दिया हुआ है, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ए डी बी डी, ए सी बी डी, ए इंटू सी बी डी। तो लोग को शो करना है, शो दैट पहला कि ए स्टार इज एसोसिएटिव, ए स्टार क्या है जी, कोई एसोसिएटिव है। अब ध्यान देखें, सिंस ये क्या दिया हुआ है कि ए स्टार बी, ए ए बी फिर है कितना जी स्टार सी डी का वैल्यू कितना है, ए सी इंटू बी डी, तो गुणा किसका हुआ, शुरू वाला और लास्ट वाला, सेकेंड और क्या जी थर्ड, फर्स्ट फोर वही वह है ए सी है ना, ऐसा होगा पहला को पहला से दूसरा को दूसरा से, ए सी और कितना है बी डी, ए सी बी डी। तो हम लोग को शो करना है कि ए क्या होना चाहिए जी, ए स्टार एसोसिएटिव। हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव के लिए कितना एलिमेंट लेना है, तीन, लेकिन यहाँ एलिमेंट किस में है जी, ऑर्डर्ड पेयर में, तो उसी प्रकार हम लोग को जो एलिमेंट लेना है वहाँ भी किसका लेना है, ऑर्डर्ड पेयर में। तो लेट ले लेते हैं फोर एसोसिएटिव क्या होना होता है जी, लेट कर लेते हैं यहाँ फॉर एसोसिएटिव, लेट ई एफ बिलोंग्स टू ए, मान लिए कि ई एफ भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए में, तो देयरफॉर इसको क्या होना चाहिए फॉर एसोसिएटिव, ए स्टार बी, तो ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, यदि हम पहले इसको ऑपरेट करें तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, तो ये इसके साथ यही था ऑपरेशन एसोसिएटिव का कि ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का वैल्यू क्या था जी, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर था। मतलब किसी दो को ऑपरेट करें, उसके बाद तीसरा को ऑपरेट करें, पहले का दो लें फिर तीसरा लें, या तो फिर पहला लास्ट वाला दो लें फिर पहला लें, तो वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। यदि हम लोग लें नाउ, यदि ले लें हम लोग ए एस ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, यदि इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके अनुसार से डेफिनेशन क्या है जी, शुरू और फर्स्ट दोनों का फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन और दोनों का लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, फिर हो जाएगा ई एफ। यदि इसको अनुसार से लीजिएगा तो दोनों का फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन दोनों का लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा ए सी ई, हो जाएगा बी डी एफ, तो ये हम लोग को आया है लेफ्ट हैंड साइड। यदि आर एच एस यहाँ पे बात करें एंड हो जाएगा ए बी स्टार हो जाएगा सी डी स्टार ई एफ, तो हो जाएगा यहाँ से ए बी स्टार ए कितना हो जाएगा जी, यदि इसके अनुसार से लेंगे तो पहला को पहला से, तो हो जाएगा सी ई हो जाएगा डी एफ, इसके अनुसार से लेंगे पहला पहला को तो जगह ए सी ई और जगह बी डी एफ। क्या देखिए दोनों बराबर है, ए सी ई ए सी ई बी डी एफ बी डी एफ दोनों सेम, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि स्टार ए स्टार कि ए स्टार इज
एसोसिएटिव नॉट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एसोसिएटिव चेक करना था। ये क्या है जी एसोसिएटिव, यही हम लोग को क्या हो गया प्रूव। पहला हम लोग को चेक करना था ये क्या है जी एसोसिएटिव, और इसी में दूसरा दूसरा भी हम लोग को क्या बोलता है कि कम्यूटेटिव शो करो कि ए स्टार इज कम्यूटेटिव। और ए स्टार कम्यूटेटिव कैसे होगा, कम्यूटेटिव के लिए दो एलिमेंट मतलब होना चाहिए ए बी स्टार सी डी का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो सी डी स्टार ए बी के बराबर। यदि नाउ देखो एल एच एस की बात करें हो जाएगा ए बी स्टार सी डी, तो ये कितना हो जाएगा जी ए सी बी डी। एंड यदि हम ले लें सी डी स्टार ए बी का वैल्यू, ये कितना हो जाएगा सी ए डी बी, सी ए को मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं ए सी, और कितना जी डी बी को लिख सकते हैं बी डी, तो ये दोनों सेम, तो बोल सकते हैं देयर फोर अ स्टार इज ए स्टार, क्योंकि ए भी है ना ऑर्डर पेयर में, ए स्टार इज कम्यूटेटिव। ये हम लोग को प्रूफ हो गया ए स्टार क्या हो गया कम्यूटेटिव। एंड थर्ड थर्ड में हम लोग को क्या चेक करने बोल दिया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट, थर्ड में क्या बोल दिया है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करना है जी, आइडेंटिटी बोला है चेक कर लेते हैं, हाँ ये बोला हुआ है आइडेंटिटी, यदि पॉसिबल हो तो क्या निकालो आइडेंटिटी, थर्ड नंबर नहीं दे करके मान लेते हैं थर्ड ही है। बोल दिया फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ़ एनी इन ए, यदि है ए में तो क्या निकालो आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या है, यदि कोई ऑर्डर पे यहाँ ऑर्डर पेयर की बात को नंबर था टू था, टू को साथ कौन सा ऑपरेशन लगाए कि रिजल्ट टू हो जाए, तो यहाँ पे जो था जो नंबर लेते थे तो क्या था एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई के केस में एक वन लेते थे तो क्या था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो उसी प्रकार कोई नंबर यहाँ पे ऐसा लेना है ताकि उसको ऑपरेट करें तो क्या जाए आइडेंटिटी आ जाए, मतलब लेट कर लेते हैं जैसे सपोज लेट एक्स एंड वाई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए, क्योंकि यहाँ पे लेना है ऑर्डर पेयर में, क्योंकि ए बोल दिया है क्या है जी जो भी लेना है क्या चीज़ ऑर्डर पेयर में लेना है, और कि ए एन क्रॉस एन है नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर ऑर्डर पेयर में आएगा, मतलब मान लीजिए एक्स वाई क्या है कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है कहाँ इन ए में, सच दैट क्या होना चाहिए जी ए बी स्टार एक्स वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए ए बी के बराबर। यदि वो मान लीजिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है एक्स वाई आइडेंटिटी है, तो यदि ए बी के साथ आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो ए बी ही रहेगा, और बाय डेफिनेशन देखे थे अभी कि क्या था पहला वाला को पहला से गुना करेंगे दूसरा वाला को दूसरा से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए ए बी, तो दोनों को यदि इक्वेट कर दें ऑर्डर पेयर को तो ये कितना होना चाहिए जी ए एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी वाई इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू वन, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया वन, तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि वन वन इज क्या चीज़ जी आइडेंटिटी एलिमेंट इन किस में ए, ये हो जाएगा इसका आंसर वन वन उसका क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब कोई भी ऑपरेशन से यदि आप वन वन को ऑपरेट करेंगे तो वही चीज़ आएगा, यदि मान के चलिए यहाँ पे ए बी है ए बी स्टार वन वन, तो इसका पहला को पहला से करेंगे दूसरा को दूसरा से, तो ए इंटू वन फिर जाएगा बी इंटू वन, तो देखिए कितना आ जाएगा ए बी, वही चीज़ आ गया, मतलब वन वन इसका क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, चलिए इसको नोट कर लें। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।